हाँ तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम एक चाइनीज़ एसयूवी का अपनी इंडियन एसयूवी से कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पे जिस चाइनीज़ एसयूवी की हम बात कर रहे हैं वो है एमजी हेक्टर। लेकिन अगर आप लोग भी इसे सिर्फ एक ब्रिटिश कंपनी की कार समझते हैं तो इसका मतलब आपको इसकी पूरी जानकारी नहीं है। चलिए मैं आपकी जानकारी दुरुस्त कर देता हूँ। एमजी मोटर्स है तो एक ब्रिटिश कंपनी ही, लेकिन इसकी पेरेंट कंपनी एक चाइनीज ऑटोमोबाइल कंपनी है जिसका नाम है सेक मोटर्स। इसका हेडक्वार्टर शंघाई में है और इसने एमजी मोटर्स को साल 2007 में खरीद लिया था और इसी हिसाब से एमजी हेक्टर एक चाइनीज एसयूवी बन जाती है। वहीं जो दूसरी एसयूवी जिसे हम कंपेयर कर रहे हैं वो है अपने इंडिया की टाटा हैरियर। ये कार इतनी बदनसीब है कि इसकी तारीफ तो हर कोई करता है लेकिन लेता कोई नहीं। चलिए अब शुरुआत करते हैं इनके कद काठी के कंपैरिजन से। एमजी हेक्टर की लेंथ और हाइट टाटा हैरियर से ज़्यादा है, लेकिन विड्थ आपको टाटा हैरियर में ज़्यादा मिलेगी। हेक्टर का व्हील बेस हैरियर से लगभग 9 mm बड़ा है, तो वहीं ग्राउंड क्लियरेंस हैरियर में ज़्यादा है। अब जब हेक्टर ज़्यादा लंबी है तो ऐसे में उसका बूट स्पेस भी ज़्यादा ही होगा, तो साइज़ के मामले में तो हेक्टर का ज़्यादा बड़ा है। कहने का मतलब ये है कि हेक्टर साइज़ के मामले में हैरियर से बड़ी है। बात करें इनके इंजन की तो हैरियर सिर्फ डीजल इंजन में ही आती है, इसलिए हमने इसके अगेंस्ट एमजी हेक्टर के सिर्फ डीजल वेरिएंट को ही लिया है। हालांकि इस चाइनीज़ एसयूवी में 2 पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन मिलेगा। हेक्टर और हैरियर इन दोनों में ही सेम कैपेसिटी का 2.0 लीटर वाला टर्बो डीजल इंजन मिलेगा, जो कि पावर और टॉर्क के मामले में भी बराबर ही है। लेकिन अगर ट्रांसमिशन की बात करें तो हैरियर में 6 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिलेगा, तो वहीं हेक्टर के डीजल में सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलता है। लुक्स और स्टाइल के मामले में ये दोनों ही काफ़ी गुड लुकिंग है। सामने से ये दोनों ही काफ़ी बल्की लगेंगी, लेकिन अगर साइड और पीछे से देखें तो हेक्टर के कंपैरिजन में हैरियर ज़्यादा प्रोपोर्शनेट लगती है। एक मस्कुलर और एग्रेसिव दिखने वाली एसयूवी का लुक हैरियर में ज़्यादा नज़र आता है, जबकि हेक्टर एक लग्जरियस कैरावैन जैसी दिखाई देती है। चलिए अब इनके एक्सटीरियर से जुड़े कुछ ज़रूरी फीचर्स जान लेते हैं। हैरियर में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं, तो वहीं हेक्टर में LED हेडलैम्प्स मिलेंगे। इसके साथ ही LED DRLs, फॉग लैम्प और पीछे LED टेल लैम्प्स भी दोनों में ही मिलते हैं। 17 इंच के अलॉय व्हील्स दोनों में ही हैं, लेकिन हैरियर में टायर ज़्यादा बड़ा मिलेगा। और बचे बाकी फीचर्स, तो उनमें से पावर टेल गेट टाटा हैरियर में नहीं मिलता। दोनों ही SUVs का अंदरूनी हिस्सा काफ़ी मॉडर्न लगता है, लेकिन टाटा हैरियर का इंटीरियर काफ़ी प्रीमियम लगता है। इसके डैशबोर्ड में वुडन स्टाइल की फिनिशिंग है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। हालांकि फीचर के मामले में तो हेक्टर ही आगे है। बेशक टाटा हैरियर में काफ़ी मॉडर्न फीचर्स जरूर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी वो MG हेक्टर से कम ही है। यहाँ आप इनके कुछ ज़रूरी कम्फर्ट फीचर्स देख सकते हैं। हैरियर में मल्टी ड्राइव मोड है, लेकिन ऐसा कोई मोड हेक्टर में नहीं मिलेगा। हैरियर में ग्लव बॉक्स तो है, लेकिन वो कूल्ड नहीं है। इसके सब्स्टिट्यूट के तौर पे टाटा ने एक कूल्ड स्टोरेज फ्रंट आर्म रेस्ट के नीचे दिया है। हेक्टर में ड्राइवर और को ड्राइवर की पावर एडजस्टेबल सीट्स है, जबकि हैरियर में सिर्फ ड्राइवर सीट में ही ये फीचर मिलेगा। वहीं टायर प्रेशर मॉनिटरिंग जैसा फीचर भी हैरियर में मिसिंग है। अब पता नहीं टाटा को इसे देने में क्या जा रहा था। इसके अलावा और भी ऐसे फीचर्स हैं जो हेक्टर में तो होंगे लेकिन शायद हैरियर में नहीं। अब जरा जान लेते हैं इनके इंफोटेनमेंट से जुड़े कुछ खास फीचर्स। टाटा हैरियर में 8.8 इंच का टच स्क्रीन है, जबकि चाइनीज एसयूवी हेक्टर में उससे बड़ा 10.4 इंच का। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले और वॉइस कमांड जैसे फीचर्स दोनों में ही हैं। हैरियर में 9 JBL स्पीकर्स मिलेंगे, तो वहीं हेक्टर में उससे एक कम 8 स्पीकर्स मिलते हैं। MG हेक्टर कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी से लेस है, तो वहीं हैरियर में ये फीचर भी मिसिंग है। टाटा हैरियर में आपको फ्रंट रियर में कुल 3 USB पोर्ट्स मिलेंगे, जबकि हेक्टर में सिर्फ 2 USB पोर्ट्स ही मिलते हैं।
और बचे बाकी तीन फीचर्स वो तो दोनों में ही मिलेंगे। अब अगर बात करें इनके सुरक्षा की तो दोनों ही एसयूवी में बहुत से सेफ्टी फीचर मिलेंगे। ये बात सही है कि टाटा बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी के मामले में बाकी सभी से ज़्यादा ध्यान देता है, लेकिन ये भी सच है कि एमजी हेक्टर भी एक बहुत ही सेफेस्ट कार है। दरअसल एमजी हेक्टर एक चाइनीज एसयूवी का रीबेस्ड वर्जन है जिसका नाम है बाओजुन 530 और इसको एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग मिली थी। तो ऐसे में ये सेफ्टी के मामले में टाटा हैरियर को कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। दोनों में ही आपको 6 एयरबैग्स, ABS विद EBD और ESP मिल जाता है। रियर पार्किंग सेंसर और कैमरा भी इन दोनों में अवेलेबल है। हालांकि हेक्टर में फ्रंट पार्किंग सेंसर भी मिलेगा। इसके अलावा हेक्टर में 360 डिग्री कैमरा भी मिल जाता है। तो वहीं हैरियर में ऑटो डिमिंग IRVM। पार्किंग ब्रेक में भी हेक्टर ने बाजी मार ली क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक दे दिया गया, जबकि हैरियर में अब भी हैंड ब्रेक ही दिया है। हालांकि इसका डिज़ाइन अच्छा है, लेकिन है तो ये हैंड ब्रेक ही। तो ये सब थे इनके फीचर्स और सेफ्टी। अब ये देख लेते हैं कि इनकी प्राइस क्या है। टाटा हैरियर के मैनुअल का बेस वेरिएंट हेक्टर से थोड़ा सा सस्ता है, लेकिन इसके टॉप वेरिएंट की कीमत हेक्टर के टॉप वेरिएंट से लगभग 1,00,000 रुपये ज़्यादा है और यहीं हैरियर मात खा जाती है। हेक्टर के डीजल में कोई ऑटोमेटिक नहीं है, लेकिन हैरियर में है और इसकी कीमत 16,25,000 से लेकर 20,00,000 तक है। हैरियर में डुअल टोन और ब्लैक एडिशन भी आता है जिनकी कीमत और भी ज़्यादा होगी। हैरियर कहीं ना कहीं ओवरप्राइज्ड लगती है और इसी वजह से इसकी सेल्स भी कम ही होती है। एमजी हेक्टर, सेल्टॉस और क्रेटा ये सभी टाटा हैरियर की कंपटीटर मानी जाती है। आप अगर इन सब की प्राइस देखें तो ये सभी हैरियर से सस्ती भी हैं और इनमें हैरियर से कहीं ज़्यादा फीचर्स भी ऑफर किए जा रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि टाटा ये सब नहीं दे सकता। आप नेक्सॉन को ही देख लो, उसमें तो टाटा ने इतने एडवांस फीचर्स दे दिए लेकिन हैरियर को नहीं दिए। और एक कमी ये भी है कि जहां आजकल सभी गाड़ियों में मल्टीपल इंजन के ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो वहीं टाटा हैरियर में सिर्फ एक ही इंजन ऑप्शन दिया गया है। ऊपर से टाटा की सर्विस भी माशाअल्लाह, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स होने के बावजूद भी लोग सिर्फ इनकी घटिया सर्विस की वजह से अपने पांव खींच लेते हैं। बाकी मेरा मानना है कि टाटा हैरियर है तो एक बहुत अच्छी और सेक्सी SUV, लेकिन टाटा को ज़रूरत है तो इसमें और फीचर्स देने की या फिर इसके प्राइस को जस्टिफाई करने की। बाकी आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और इतना फैला दें कि टाटा मोटर्स के हुक्मरानों तक ये वीडियो पहुंच जाए। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। जय हिंद।